दोस्तों जयगांव में तरक्की, जयगांव में डेवलपमेंट का कुछ उदाहरण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। दोस्तों आप सभी के समक्ष ऐसा दृश्य साझा करना चाहूँगा कि आप एक मांगेंगे तो सरकार आपको तीन देगी, प्रशासन आपको तीन देगी। और दोस्तों आपको मैं वो दृश्य दिखाना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग का और जयगांव का प्रशासन का क्या भूमिका है, उनका किस तरह से कार्य हो रहा है, वो आप सभी के समक्ष साझा करना चाहूँगा। दोस्तों जयगांव का द लीनिंग टावर ऑफ जयगांव, द लीनिंग पिलर ऑफ जयगांव मैं आप सभी के समक्ष दिखाना चाहूँगा। दोस्तों आप सभी के समक्ष दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये एक इलेक्ट्रिसिटी पोल है, और लिहाजा इस इलेक्ट्रिसिटी पोल को, इसको सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए बगल में और दो इलेक्ट्रिसिटी पोल का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ऊपर की तरफ दिखाएं। और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस इलेक्ट्रिसिटी पोल को एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस इलेक्ट्रिसिटी पोल को मदद चाहिए, मदद चाहिए, इसीलिए ये एक और पोल यहाँ पे खड़ा है और इसको मदद के लिए और एक पोल वहाँ पे खड़ा है। और सबसे अनोखा बात यह है दोस्तों, जहाँ पे इसको लगाया गया है, आपको मैं कैमरामैन को कहूँगा कि सामने आए, इस पोल को जहाँ लगाया गया है वो एक ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे है, और किस तरह का यहाँ पे डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है ये ज़रा देखिए। इंजीनियरिंग को सैल्यूट करना चाहूँगा। इस ड्रेन के अंदर में इस पोल को गाड़ा गया है, तो आप सोच सकते हैं कि ये पोल आखिर खड़ा हो तो हो कैसे। ये सोचने वाली बात है कि अगर आप इसका नींव जो है, अगर आप किसी ड्रेन में रखेंगे तो ये पोल आखिर खड़ा होगा तो होगा कैसे। और दोस्तों यही तक नहीं, एक पोल और यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी पोल है, इसका भी यही अवस्था है। सोचने वाली बात है कि जो इंजीनियर है, जो प्लानिंग करते हैं, जिन लोगों का कार्य है, वो लोग कितने सक्षम हैं और कितने आधुनिक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कि एक नाले में एक इलेक्ट्रिसिटी पोल को खड़ा किया जा रहा है। और जब इस इलेक्ट्रिसिटी पोल को खड़ा होने में असुविधा हो रही है तो दोस्ती निभाने के लिए ये बगल में एक और इलेक्ट्रिसिटी पोल आ जाता है, और उसके तो फिलहाल हाथ तो है नहीं, तो रस्सी के सहारे बांध के अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। और सोचने वाली बात है दोस्तों, ये केवल इसी जगह का ये समस्या नहीं है, आपको बता दें ये एक त्रिवेणी टोल का मुख्य रास्ता है जो स्कूल से जोड़ता है, जो अग्रसेन भवन से जोड़ता है, काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के गोदाम यहाँ पे पड़े हुए हैं, लिहाजा इस सड़क से काफ़ी सारे वाहनें यहाँ से जाती आती हैं। और ऊपर के तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से तार गया है, और इस तार के वजह से कल के दिन में अगर ये इलेक्ट्रिसिटी पोल और झुकता है तो सीधे इस तरह के घर में पहुँचेगी, और ये एक रेसिडेंशियल घर है, आप सोच सकते हैं कितने बड़ा क्षति हो सकता है, कितना बड़ा हादसा हो सकता है। इसी तरह का दृश्य मैं आगे भी चल के दिखाना चाहूँगा। जयगांव में डेवलपमेंट की कमी नहीं है, आप एक मांगोगे तो आपको तीन मिलेगा। उदाहरण के लिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिसिटी पोल के लिए तीन यहाँ लगा है, लेकिन कार्य वही है। एक मिसाल जरूर इस इलेक्ट्रिसिटी पोल ने पेश किया है कि दोस्ती कायम रहना चाहिए, मुसीबत में आप हो तो मैं मदद में आऊं, इस संदेश को शायद इस इलेक्ट्रिसिटी पोल दर्शाने की कोशिश कर रहा है। खैर मैं पॉजिटिव इंसान, हमेशा पॉजिटिव कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता हूं, लेकिन आप अगर नेगेटिव कुछ छोड़ेंगे तो वो भी मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो मैं प्रशासन को यही कहना चाहूँगा कि आप कम से कम इस तरह का कार्य करने से पहले कम से कम ये ध्यान दें कि ये इलेक्ट्रिसिटी पोल या कुछ भी आप जब न्यू तैयार करते हैं, आप जो फाउंडेशन देते हैं, फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। और आप अगर नाले और पानी में इस तरह से आप किसी चीज़ का भी फाउंडेशन डालेंगे तो निश्चित रूप से वो ढहना ही है, वो बर्बाद होना ही है। तो दोस्तों
यहाँ पे काफ़ी सारे इसी तरह के निवासी रहते हैं। चलिए किसी निवासी से भी बात करते हैं और पता लगाते हैं। भाई थोड़ा आ जाओ, आपसे थोड़ा बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। और आपके दुकान के आगे यहाँ पे नाले में, इसे नाले में कहूँ या सड़क पे कहूँ कहना मुश्किल है, यहाँ पे एक नहीं दो नहीं तीन इलेक्ट्रिसिटी पोल नज़र आ रहा है और जहाँ तक देखने को मिल रहा है, मैं तो खैर कह सकता हूँ चश्मा लगाया हूँ तो शायद मुझे इसलिए दिख रहा है, शायद प्रशासन को शायद कितने पावर का चश्मा चाहिए तब दिखेगा। ये एक इलेक्ट्रिसिटी पोल जो है रोड के तरफ झुका हुआ है और जो नाला है, नाला में इसके लगाया गया है, कल चल के ये गिर सकता है। आपको क्या लगता है, कहाँ चूक हो रही है, क्या आपको क्या कहना है इस विषय में, क्या आप सोचते हैं? पहले तो सभी को नमस्कार, मैं अर्जुन दास र म नेपालीमा भन्छु तपाईहरुलाई कि यो एक्चुअली एक्सिडेन्ट जुन हिसाबले भएको छ, यहाँ पोल अलरेडी क्र्याक भइसकेको छ, यो क्र्याक भएको एराउन्ड तपाईँको 2.5 इयर्स भइसकेको छ र मैले कतिलाई भनेको पनि थिएँ यस्तो यस्तो भएको छ र तपाईँहरू हेरिदिनुहोस् भनेर। त्यहाँदेखि उहाँहरू कति दिन बादमा आएर चाहिँ यो पोल लगाउनु भयो, लगाउनु त कुन सिस्टमले लगाएको छ त्यो त तपाईँहरूले पनि देख्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ नालापट्टि यता चापेर जुन चाहिँ गरिदिएको छ त्यो हिसाबले गर्दा जुन क्र्याक भइसकेकोमा पनि अझै उनीहरूले बाँधेर जुन चाहिँ हिसाबले राखिदिएको छ, यो ब्यान्ड भइसकेको छ। यो मैले मेरो दोकान हो भनेर भनेको होइन र यसमा चाहिँ एकदमै रिस्क चाहिँ सबैलाई परेको हुन्छ। यहाँ जति पनि गाउँमा जतिजना हुनुहुन्छ यो चाहिँ पहिला नै सबैले यो चाहिँ उठाउनु पर्ने थियो यो कुरालाई चाहिँ। तर मैले चाहिँ यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि यहाँ एउटा छेउमा तपाईँले स्कुल पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँबाट स्टुडेन्टहरू पनि हिँडिरहेको हुन्छ, उहाँको लागि पनि एकदमै रिक्स हुनेछ यो कुराले लिएर र ठुल्ठुलो बिल्डिङ पनि अगाडिहरू छ होइन। यो सपोज यसरी झुक्दै गएर कतैतिर ठोक्यो भने भोलिको दिनमा एकदम डेन्जर कुनै उयो हुनसक्छ ठुलो। अनि यो बाटोमा तपाईँको तपाईँले लगभग यहाँ आएर हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदमै ठुल्ठुलो गाडी पनि हिँडिरहेको हुन्छ, एकदम लोडेड ट्रकहरू जसले चाहिँ यो तारसम्म पनि छुइसकेको हुन्छ, त्यस्तो खालको गाडी पनि यहाँबाट हिँड्ने गर्छ र उहाँहरूले फेरि पनि लास्ट टाइम पनि त्यस्तै भएर यहाँ अलिकति ट्रकले छुएको कारणले गर्दाखेरि यसरी घटना भएको थियो र फर्दर पनि यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ म चाहिँ अब प्रशासन जो हुन्छ र इलेक्ट्रिसिटीको जति पनि डिपार्टमेन्टको मान्छेहरू हुन्छ उनीहरू आएर यहाँ आएर हेरिदिएर विचार गरेर यसलाई चाहिँ जल्द से जल्द ठिक गर्ने चाहिँ म उहाँलाई अपिल गर्न चाहन्छु। आशा गर्छु कि प्रशासनले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्टले यो भिजुअल्स हेरेर छिटोभन्दा छिटो उचित कारवाही गर्छ होला। तपाईँको नाम र परिचय? मेरो नाम चाहिँ अर्जुन दर्जी र म रामगाउँ निवासी हो र मेरो यहाँ चाहिँ एउटा सानो बडा रेस्टुरेन्ट छ, अरुणा रेस्टुरेन्ट। धन्यवाद अर्जुनजी। तो दोस्तों आपने कई बार मुहावरा सुना होगा, आ बैल मुझे मार, लेकिन जयगांव में एक और इसी तरह का मुहावरा आप सभी के समक्ष तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है, आ खंबा मुझ पे गिर। जी हाँ दोस्तों, यही मैं कहना चाहूँगा, दोनों का अर्थ वही है, सोच वही है, कहना का तात्पर्य वही है। बस यही आशा करता हूँ कि ये मुहावरा जो है इससे पहले कि सच हो जाए प्रशासन अपनी आंखें खोले, ज़रूरत पड़े अगर चश्मा का तो मैं अपना चश्मा उतार के आपको दे दूँगा, लेकिन आके देखें, ग्राउंड रियलिटी को समझें और जनता को जो समस्याएं हैं उसका निवारण करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए पहल करें। आशा करता हूं, कड़े शब्द का प्रयोग कर रहा हूं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन अगर प्रशासन इसी तरह से लापरवाही बरतती रहेगी तो विजय कुमार गुप्ता इसी तरह पे सड़कों पे आके आपको आईना दिखाता रहेगा। आशा करता हूं कि आंखें खोलेंगे प्रशासन इस तरह का काफ़ी सारे। इसी तरह से मैं आगे भी अगर चला जाऊं तो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पोल इस रास्ते में आपको देखने को मिलेगी वो इसी तरह से आधे नाले में है, आधे सड़क पे है और इस विषय में प्रशासन को देखने की ज़रूरत है और उचित पहल करने की ज़रूरत है। केवल इलेक्ट्रिसिटी पोल यहाँ पे लगा देने से, कनेक्शन पहुँचा देने से नहीं होगा, रख रखाव मरम्मत की भी ज़रूरत है और कोई हादसा ना घटे। अगर कल के दिन में अगर इस इलेक्ट्रिसिटी पोल के वजह से कोई हादसा घटता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल मैं जयगांव प्रशासन के पास रखना चाहूँगा। इसी तरह से और भी खबरों के लिए मैं अलग अलग जगह से आप सभी के समक्ष जुड़ता रहूँगा। मैं विजय कुमार गुप्ता, कैमरामैन UR के साथ, जयगांव मिरर्स के लिए।
बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतों से छुटकारा, साथ ही प्रदूषण से भी मुक्ति। ना रजिस्ट्रेशन ना लाइसेंस की जरूरत, अब चलाए टेंशन फ्री। आपके शहर जयगांव में पहली बार इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम बीएम मोटर्स, जॉय ए बाइक के अथोराइज्ड डीलर। संपर्क करें बीएम मोटर्स, एनएस रोड ऑपोजिट वेद व्यास स्कूल जयगांव। कॉल 9733412216 9933533659।